हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पत्ता गोभी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही नए तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल यूनिक तरीका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1/2 kg पत्ता गोभी ली है और उसको मैंने अच्छे से काट लिया है और धो लिया है। इसको हमें अच्छे से धोना है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिया है और मैंने उनको लंबी लंबी स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिए उनको भी मैंने काट लिया है, और मीडियम साइज़ का प्याज लिया है उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमने ज़्यादा नहीं लिया है, 1 बड़ा चम्मच लिया है। और अब हम इसमें अपनी पत्ता गोभी डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद अच्छे से फ्राई करना है हमें इसको। फ्राई करके हम पत्ता गोभी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से फ्राई हो सके। तो इसी तरीके से हम हल्के हाथों से इसको चला देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इस गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। हमें इसे बिल्कुल गलाना नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसके बाद हमें इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने बाद में इसलिए डाले हैं, अगर हम आलू साथ में डालते तो आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बाद में डालेंगे। 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर तक हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो हम फिर से इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा कच्चा रखना है, बिल्कुल पकाना नहीं है, इतना फ्राई करना है हमें कि ये थोड़ा कच्चा रहे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी गोभी और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको गैस पे से उतार लेंगे, किसी बर्तन में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और गैस पे रख दिया है। अब हम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, फिर से 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। अब हम इसमें 2 लाल मिर्ची डाल देंगे सूखी, और हमने जो बारीक प्याज काटा था उसको डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे ताकि अच्छे से भून सके और इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। आप चाहो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हो, पर मुझे गोभी में जीरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला है। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप हमारी गोभी ब्राउन हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें मिर्च डालेंगे। मिर्च और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इनको अच्छे से चला देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। आप देख सकते हो हमें इन्हें अच्छे से चला देना है ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से इस तेल में भुन जाएं। इसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे, इनको भी हम अच्छे से चला देंगे ताकि ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। आप देख सकते हो हमें इन्हें अच्छे से चला देना है ताकि अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। अब इसमें हमारा मसाला नीचे ना लगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा पानी डाल दिया है। गोभी में बादी होती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है ताकि बादी ख़त्म हो जाए, और इसको अच्छे से चला देंगे क्योंकि गोभी गैस्ट्रिक करती है। अगर हम इसमें हींग डालेंगे तो गोभी गैस्ट्रिक नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, हमें मसाला तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ जाए। तो हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लग रही थी। तो आप एक बार इस तरीके से गोभी को बना के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर ये रेसिपी पसंद आए आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें अच्छे से चला देना है ताकि हमारी दही भी अच्छे से इसमें पक जाए। तो
तो फ्रेंड्स हमें मसाला तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से तेल ना छोड़ जाए। और हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ चुका है। अब हम इसमें अपनी सब्जी को डाल देंगे, जो हमने आलू और गोभी फ्राई किए थे उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, ताकि अच्छे से पक जाए और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर दूंगी, ताकि अच्छे से मसाले में पक सके। हल्के हाथों से हमें इसको ऐसे ही चला देना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स 2 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही रखा है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे ढक के रख देंगे, हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 2 मिनट बाद हमारी गोभी बिल्कुल बनके तैयार है, और इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ये, बिल्कुल इतनी टेस्टी बनी थी। और आप इसको एक बार बनाओगे तो बार बार इसी तरीके से बनाओगे, तो एक बार तो इसको बनाना बनता है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फाइनल लुक देख सकते हो आप हमारी सब्जी का, कितना अच्छा कलर है और कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल खिली खिली बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। देख सकते हो आप इसका कलर और टेक्स्चर। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।